जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्ची केले का पकोड़ा, जिसके लिए मैं 4 केले ली हूँ। इसको इस प्रकार से मैं काट के छील लेती हूँ। मैं इस प्रकार छीलती हूँ, आप दूसरे तरीका से भी छील सकते हैं। अब इसको मैं इस तरह से 3 भाग में काट लूँगी, एक केले को 3 भाग कर लूँगी। अब ये जो है ना, इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से आप हटा भी दोगे तो बढ़िया सा बन जाएगा तरुआ पकौड़ा। ये थोड़ा सा जो ऊपर से हटा दोगे तो सारे पीस एक जैसे बन जाएगा। अब इन सभी केला को मैं धो लेती हूँ। तो धुल गया हमारा केला। अब मैं एक मसाला लेती हूँ। मैं एक कटोरी, छोटी कटोरी ये चावल का आटा ले रही हूँ। इसी कटोरी से, सेम कटोरी से मैं बेसन ले रही हूँ। चावल का आटा जो है थोड़ा सा दरदरा है हमारा, ज़्यादा पतला नहीं है। इसमें मैं एक चुटकी अजवाइन डाल रही हूँ और एक हरी मिर्च बारीक काट के इसको डाल देती हूँ। एक टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून डालूंगी मैं लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैं हरी मिर्च भी काट के डाली हूँ। एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून आमचूर। अब इसमें डालूंगी नमक। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए या 1/4 चम्मच डाल दीजिए। अब इस सभी को पानी डाल के मैं फेंट लूँगी। दोस्तों चावल का आटा मैं डाली हूँ, इसके जगह आप सूजी भी डाल सकते हो, इससे भी बढ़िया कुरकुरी पकौड़ा बहुत बढ़िया दिखेगा, खाने में लगेगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं अलग अलग रेसिपी जब बनाती हूँ तो जल्दी ही आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगी और आप हमारा वीडियो जल्दी से जल्दी देख सकोगे। तो देखिए इस प्रकार मैंने बैटर तैयार कर ली हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी ये धनिया, कटी हुई धनिया, इसको मिला दूँगी। इसमें और कुछ नहीं डालना मुझे, इसको बस बढ़िया से फेंट लूँगी। ये बैटर हमारा हल्का हो जाए, हाथ में हल्का सा लगे। पानी भी मुझे नहीं डालना है, इसी कंसिस्टेंसी में मुझे रखना है। अब मैं एक पैन चढ़ाई हूँ जिसमें मैं सरसों तेल डाली हूँ। कोई भी तेल आप डाल सकते हो, सरसों तेल में बढ़िया पकौड़ा लगता है। एक एक ऐसे डिप करती जाऊँगी, गर्म हो गया तेल तो अब मैं इसमें गिराती जाऊंगी। एक बार में जितना हो सकेगा एक पैन में उतना मैं डाल दूंगी। 4 डाली हूँ, 1-2 इस पर और आ जाएगा। तो अब मुझे इसमें नहीं डालना है क्योंकि अब जगह नहीं है।
इस तरह हिला देती हूँ तेल जो है हमारा ऊपर भी आ सके पकौड़ा में। फ्लेम पर इसको सेक रही हूँ। देखिए तो पकौड़ा हमारा तैयार हो गया है, मैं निकाल लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं तलना है मुझे। इसी प्रकार में जो बाकी है पकौड़े में इसको भी डाल दूँगी। अभी फ्लेम थोड़ा सा हाई है, फिर मैं मीडियम टू लो कर दूँगी। तो देखिए सारे पकौड़े तल के हमारा तैयार है। मैं फ्लेम ऑफ कर दी हूँ और निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों पसंद आए ये पकौड़ा तो लाइक में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में। देखिए कितना बढ़िया से पकौड़ा तैयार है, इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो तब तक के लिए जय सियाराम।